राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि चुनाव में नामांकन के दौरान कैंडिडेट को सारी संपत्ति का खुलासा करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि उसे वोटिंग में असर न पड़ता हो। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने यह टिप्पणी 5 साल पुराने मामले पर सुनवाई करते हुए की। साल 2019 में अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए निर्दलीय विधायक कारिखो क्री की गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सदस्यता रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ कारिखो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने अब लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उनके या उनके आश्रितों की मालकीना हक वाली हर चल संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वे काफी महंगी न हो। कारिखो के खिलाफ दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि कारिखो ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करते समय अपनी पत्नी और बेटे की 3 गाड़ियों का खुलासा नहीं किया था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।